अच्छा पहले तो ये देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। एक्सरसाइज 1.1 इसकी क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट देखेंगे। 6th पार्ट में इन्होंने दिया है f is equal to x, f कोई सेट है is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet English alphabet which precedes K, which precedes K, precedes K का मतलब क्या है कि मुझे वो X मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को सारे consonant बताने हैं जो कि English का जो alphabet K है ना, जो K से पहले जितने भी consonant आते हैं वो बताने हैं बस। तो K से पहले आने वाले vowels हटा दीजिए बस। precedes का मतलब ये है कि K से पहले कौन कौन से आते हैं, succeeds का मतलब ये है कि K के बाद कौन कौन से आते हैं, तो वो precedes K पूछ रहे हैं। तो x is a consonant in the English alphabet, तो पहला a होगा लेकिन वो तो vowel है वो नहीं लिखेंगे, तो b c d फिर e नहीं लिखेंगे क्योंकि e vowel है, f g h फिर i नहीं लिखेंगे और फिर j, बस हो गया। j के बाद तो k ही आता है तो k include नहीं करेंगे क्योंकि precedes बोला था उन्होंने, ठीक है। इसकी शायद दो क्लासेस आपकी मिस हुई है तो मैं उसकी वीडियो भेज दूंगा, बेहद आसान है समझ में आ जाएगा। है क्या ये इसको बोलते हैं f is equal to f, कोई भी सेट है, किसी भी सेट को हम कुछ भी बोल सकते हैं, a b c d कुछ भी बोल सकते हैं, इन्होंने बोला f। तो x x क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर उसको x बोल दिया। अब वो क्या है कि x is a consonant in the English alphabet which precedes k, तो इसको इंग्लिश के स्टेटमेंट में ना समझाया गया है, ये चीज़ समझाई गई है। तो जिस चीज़ को इंग्लिश का ऐसे स्टेटमेंट लिख कर समझाया जाता है उसको हम बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और जिसमें कॉमा लगा लगा के सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखते हैं उसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमको क्वेश्चन दे रखा है तो फिर हमसे कहा जाता है कि भाई उसको आप एक्सप्लेन करिए, यानी कि रोस्टर फॉर्म में आप उसको बताइए, बस इतना ही, ठीक है। देखना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं लगता। अच्छा एक्सरसाइज 1.1 में बता दीजिए भाई, किसी को कोई डाउट है 1.1 में किसी भी क्वेश्चन में? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, आयुष्मान आदित्य दिव्यांका सोमेन बताओ। नो सर नहीं है, चलिए तो ठीक है, ये वाला होगा हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुई। एक्सरसाइज 1.2 में बताओ कहीं कोई डाउट हो तो, सिक्स वाला भी करवा। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक डाउट है एक्सरसाइज 1.2 का, सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब देखिएगा अब यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पर 8 सेट दे रखे हैं, तो ए में दिया है 2 4 8 12, ए सेट दिया है 2 4 8 12, बी दिया है 1 2 3 4, सी दिया है 4 8 12 14, 4 8 1 14, डी सेट दे रखा है, डी सेट दिया है इन्होंने 3 1 4 2,
सेट ई दे रखा है माइनस वन कॉमा वन, सेट एफ दे रखा है जीरो कॉमा ए, जीरो कॉमा ए, सेट जी इन्होंने दिया है वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन, और एच सेट जो दिया है वो है जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन। अब देखिएगा जैसे कि ए बी सी डी एफ जी एच ये सेट दे रखे हैं, तो सेट्स में ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए एक सेट में और दूसरे सेट में। अगर सारे सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तब मैं ये कहूँगा कि वो सेट्स इक्वल है, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे 2 4 8 12 है, आगे पीछे 2 4 8 12 है, वो 4 8 12 है लेकिन 2 नहीं है इसमें। अगर होता तो मैं बोल देता कि ए और सी हमारा इक्वल है, 1 2 3 4 बी और डी ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे b is equal to d, एक तो ये हो गया, और कुछ भी है और one minus, minus one, one, और ये one minus, तो e और g, बिल्कुल सही। तो b is equal to d and e is equal to g, तो ये हमारे पास दो सेट आ गए जो कि आपस में इक्वल है। ठीक है, समझ गए? ठीक, तो अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, सबसेट्स। हेडिंग डालिएगा सबसेट्स। सबसेट को समझने के लिए बस एक छोटी सी चीज़ ये समझी जाती है कि जैसे हम ये कहें कि एक अगर फैमिली ट्री है, अगर एक फैमिली ट्री की बात करें तो फैमिली ट्री में हम ये कहें कि ग्रेट ग्रैंड मदर है, तो ग्रेट ग्रैंड मदर के जितने भी बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो वो सारे बच्चे शुरुआत उनकी कहाँ से हुई? उनकी शुरुआत ग्रेट ग्रैंड मदर से हुई, ग्रेट ग्रैंड मदर के बाद फिर ग्रैंड मदर भी आ गई, ग्रैंड मदर के बाद फिर मदर आ गई, मदर के बाद हमारी खुद की जनरेशन आ गई। तो वो जो सबसे जो बड़ा सेट है उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट। वो ऐसा हो गया कि भाई ये हमारा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में से ही हम निकल कर आए हैं। ठीक है, तो एक सेट तो होता है यूनिवर्सल सेट, जिसके बारे में जैसे मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि एक सेट हमको ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 ……… तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सेट है ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि हमारे पास कोई एक सेट है, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन स्टैंडर्ड डिनोशन है नेचुरल नंबर के लिए। अब अगर हमसे किसी ने बोला कि ए इज इक्वल टू 3 4 5 6, किसी ने बोल दिया ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 है, तो हम ये कहेंगे ए, और जैसे यू होता है ना यू, ऐसे ना करके इसको ऐसे बना दिए, इज अ सबसेट ऑफ एन। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो इसी में से निकला है, ये बड़ा सेट है, ये उसका पेरेंट सेट है, वो पेरेंट सेट में से निकला, समझ गए? ठीक है, तो ये चीज़ होती है सबसेट का मतलब क्या है कि एक बड़े सेट में से निकलने वाले छोटे छोटे जितने भी सेट्स हैं, वो कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। उसका भी निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं किसी के। जैसे मान लीजिए ये पेरेंट सेट है ए, तो अगर कोई कहे कि इसमें से कितने सबसेट्स निकल के आ सकते हैं, कितने छोटे 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 सेट्स बन सकते हैं इस सेट की हेल्प से, तो हम ये बोलेंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब वो 16 कैसे बनेंगे वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। पहले सबसेट्स में नोट कीजिएगा, देखिएगा सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी, इज सेट टू बी अ सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट कैपिटल ए सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट कैपिटल बी सेट कैपिटल बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज
इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी. Is also an element of capital B. ठीक है. It is denoted by the symbol S. ये symbol हो गया इसका. ठीक है. And written as A is a subset of B. इस तरह से लिखते हैं. उसके बाद नोट करके लिखिएगा लेकर बताता हूं. कोई एक सेट है हमारे पास, उस सेट के अंदर तीन ही एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3, ये तीन एलिमेंट्स हैं. तो इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट विल बी क्या क्या होंगे. सबसे पहले एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है. हम ये कहेंगे कि एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट के अंदर से निकल के आ सकता है. एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं ना, तो हम ये कहेंगे एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट है. तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, पहला सबसेट होगा इसका 5. दूसरा सबसेट इसका क्या होगा, उसमें आप क्या करें, एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले लीजिए. कैसे, 1 ये एक सबसेट हो गया, 2 ये दूसरा सबसेट हो गया, 3 ये एक और सबसेट हो गया. तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले लिए, फिर क्या करेंगे, डबल डबल एलिमेंट्स ले लेंगे. तो 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3. ठीक है.
अब इसमें ना, इसमें पेयर इस तरीके से नहीं बनाने होते, जैसे 1, 2 है आपको भी नहीं, एक सबसेट इसका 2, 1 भी होगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर ही नहीं करता सेट में, ठीक है। तो 1 और 2 आ गए ना दोनों साथ में, तो अब उसको पलट कर आप 2, 1 लिखोगे तो वो सेम ही सेट माना जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2, 3 आ गया तो 3, 2 की जरूरत नहीं है, 1, 3 आ गया तो 3, 1 की जरूरत नहीं है। 1, 2, 2, 3, 1, 3, तो 2, 2 का हो गया। उसके बाद 3 का, तो 3 का तो एक ही बनेगा, बस 1, 2, 3। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपना खुद का ही सबसेट भी होता है, ठीक है। अब जरा देख लीजिए कि ये कितने सबसेट्स बने हैं, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 कहाँ से आया, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे, 1, 2, 3 एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें कि इसके अगर सबसेट बनाने हो तो 2 की पावर 4, यानी कि इसके 16 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है? यस सर, यस सर, ओके। पेंट की स्मेल आ रही है, आ रही है कल आते तो कुछ और स्मेल आती ही नहीं, कल इतना बुरा हाल हो रखा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा, क्योंकि कल ही सब जगह पूरा हुआ था दरवाज़ों पर, उनको बड़ी गंदी स्मेल थी, अब तो फिर भी कम हो गई। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बस ये था कि ये सब लोग अंदर पेंट कर रहे थे और मैं, मम्मी, हम सब तो बाहर निकल गए थे, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, और वो भी तब जब सब खिड़की वगैरह खोल रखी थी तब ये हाल था। और पता नहीं उन लोगों को आदत हो चुकी है, उनको कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। चलिए एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9, कंसिडर द सेट्स। Consider the sets 5, A is equal to 1, 3, B is equal to 1, 5, 9, B is equal to 1, 5, 9, C is equal to 1, 3, 5, 7, 9. ये सारे सेट्स दे रखे हैं। अब वो बोल रहे हैं इंसर्ट द सिंबल इसका मतलब है सबसेट ऑफ, और इसका मतलब है ऐसे बनाकर इसको काट दो कि नॉट अ सबसेट ऑफ, इंसर्ट द सिंबल सबसेट ऑफ और सबसेट ऑफ और नॉट अ सबसेट ऑफ बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब देखिएगा, इन्होंने हमको दिया है चार पार्ट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट पार्ट है 5-B, बीच में डैश बी। सेकंड है A-B। थर्ड है A-C। फोर्थ है B-C। ये दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जरा देखिएगा,
वो बोल रहे हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ बी, तो हम ये कहेंगे यस, क्यों? क्योंकि फाई क्या है? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई इज सबसेट ऑफ बी, ये हो गया, समझ गए? ऐसे ही सेकंड वाला देखिए कि ए, क्या ए बी का सबसेट है? तो ए में एलिमेंट है 1,3, बी में है 1,5,9, अगर 3 भी होता इसमें से तब तो मैं कहता कि 1,3 बी में से निकल कर आया है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, अब ए इज, ए क्या ए सी का सबसेट है? 1,3,5,7,9, यस, 1 और 3 सी में से ही, ऐसा लगता है जैसे सी में से ही दो एलिमेंट्स निकाल कर ए में डाले गए हैं, तो यस ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बी देखिएगा 159, तो 159 यस, ये भी बी भी सी में से ही निकल कर आया है, तो बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सी, बताइए क्लियर? थर्ड वाला ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये आप देखिएगा कि ए में क्या है एलिमेंट 1,3 और सी में है 1,3,5,7,9, तो 1 और 3 ऐसा नहीं है जैसे सी में से ही निकाल कर रख दिया हो यहाँ पर, तो इस वजह से ए इज अ सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली बी में क्या है 159, तो 1 भी है, 5 भी है, 9 भी है, तो ऐसा है जैसे 159 इसी में से निकाल कर यहाँ पर रखा हो, तो B is also a subset of C. Clear? Sir, so, set set के subset का formula 2 raised to power number of subsets का formula. Sir, अगर हम फाई की बात कर रहे हैं, अगर हम फाई की बात कर रहे हैं, तो फाई के अंदर, फाई का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एन कितना हो गया? जीरो, ठीक है। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि फाई के सबसेट्स निकालिए, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाई इज इक्वल टू, ऐसे करके हम इसके अंदर लिख देंगे फाई, एक ही सबसेट है इसका, क्योंकि और वो है ये खुद, क्योंकि हम ये कहेंगे कि एक चीज़, तो एक फंडा तो ये होता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक फंडा ये होता है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इस पर तो वो दोनों ही चीज़ें लागू हो रही हैं, है ना, तो इसके अंदर एलिमेंट कितना है? एक, है ना, और जब n की पावर, जब 2 की पावर n कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 0, तो वो भी 1 के इक्वल आएगा, तो एक ही एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 10, कैपिटल ए इज इक्वल टू, ठीक है, बॉल्स, एंड बी इज इक्वल टू एबीसीडी, बी इज इक्वल टू एबीसीडी, इज ए अ सबसेट ऑफ बी? इज कैपिटल ए अ सबसेट ऑफ कैपिटल बी? क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा है नो, आगे लिखा है नो, आंसर भी लिखा है, और फिर ये बोलते हैं आपको बताना है वाई। फिर इसी में एक चीज और पूछी है, इज बी अ सबसेट ऑफ ए? फिर से क्वेश्चन मार्क, फिर उसका आंसर भी लिखा हुआ है नो, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वाई, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है?
एक क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन देने के बाद में फिर उसका आंसर भी दे रखा है। तो आप ये देखिएगा कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए में ई आई ओ यू है और ई आई ओ यू बी में नहीं है, मतलब ए बी में से नहीं निकला है, ठीक है, तो वो मेरे को दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, तो बी सी डी बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, मतलब बी ए में से नहीं निकला है, तो बी भी उसका सबसेट नहीं है। लेकिन उसको लिखेंगे किस तरीके से, आप ये देखिएगा, अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो हम ये कहेंगे कि वो उसका सबसेट नहीं है। तो इसको लिखना किस तरीके से, इस वजह से उन्होंने बाय बाय करके ये दो चीज़ें पूछी। देखिए आप यहाँ पर ये कहेंगे ये भी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का एक सबसेट नहीं है। पहली चीज तो ये होगी कि ए बी का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है वो बताना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, रीजन में लिखेंगे बिकॉज ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू ये जो है belongs to A, सारे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ E लिख सकते थे, आप सिर्फ E लिख सकते थे तो भी चलता है ना, मतलब आपको जैसे ये E I O U मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसकी भी। एक भी एलिमेंट अगर गड़बड़ कर जाएगा तो भी मैं कह दूंगा सबसेट नहीं है, तो हम सिर्फ इतना भी लिख सकते थे सिंस E belongs to A but E does not belongs to, ये साइन होता है, आप सबसेट का साइन बनाकर और बीच में लाइन खींच दीजिए, ये होता है belongs to का साइन, मतलब ई ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो कैसे कह दूं कि वो बी में से निकला, कैसे कह दूं कि वो उसका सबसेट है, नहीं होगा, ठीक है। यही चीज आपको यहां पर लिखनी है क्लियरली, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी भी ए का सबसेट नहीं है, बिकॉज यहां पर भी रीजन लिखे बिकॉज यहां पर बी है ना स्मॉल बी, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी बट स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो वो कैपिटल ए में नहीं है, इसका मतलब वो कैपिटल ए में से नहीं निकला है, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 मैं लिख रहा हूँ, देखिए जरा, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, let capital A, B and C be three sets full stop, if A belongs to B, if capital A belongs to B and B is a subset of C, and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give an example. If not, give an example. एक मिनट दीजिए मुझे अभी आप।
अच्छा देखिए, जैसा ये क्वेश्चन है इसमें ये इन्होंने बोला है ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, तो आपको कोई तीन सेट दे रखे हैं। अब वो बोल रहे हैं इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए जो है वो बी को बिलोंग करता है, फिर वो कह रहे हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी जो है वो सी का कोई सबसेट है, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये चीज पूछे इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। तो ये ना एग्जाम्पल देने वाले जो क्वेश्चन है जनरली एग्जाम में पूछे नहीं जाते, कि आपसे वो बोले कि आप इसका कोई एग्जांपल दीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे नहीं जाते, क्योंकि हर बच्चा अलग एग्जांपल देगा तो टीचर के लिए थोड़ा सरदर्द हो जाता है कि भाई उसको बार 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 चेक करना, तो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर तो होगा नहीं। लेकिन हम जरा समझते हैं अभी देखते हैं, देखो इन्होंने क्या बोला है, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, दोनों में अंतर है, बिलोंग्स में और सबसेट में दोनों में एक अंतर है, बताता हूँ अभी क्या है। ए बिलोंग्स टू बी का मतलब यह है कि एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, तो लेट ए इज इक्वल टू, ए हमने एक सेट मान लिया जिसके अंदर लिखा हुआ है स्मॉल ए, जिसके अंदर लिखा हुआ है स्मॉल ए, भाई ए एक सेट है क्योंकि ए कोई एलिमेंट नहीं है, उन्होंने बोला लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, तो ए को मान लिया स्मॉल ए, और बी को क्या मानेंगे स्मॉल ए, और स्मॉल ए इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट, फिर अगला एलिमेंट ले गया बस ये ले लिया बी, अगला एलिमेंट बी ले लिया, और फिर लेंगे सी, सी में क्या लेंगे हम, सी में भी आप ऐसा करिए कि ये ए डाल दो ऐसे, ये बी और ये सी, ठीक है। ये मुझे जानबूझकर ऐसा लेना पड़ा, ये मुझे जानबूझकर ऐसा लेना पड़ा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कर्ली ब्रैकेट वाला ए इसके अंदर क्यों डाला, ए भी तो डाल सकते थे, सिर्फ ए कॉमा बी भी तो लिख सकते थे, ए विद अ कर्ली ब्रैकेट क्यों लिखा अंदर क्यों, उसका रीजन ये है इन्होंने बोला है ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी का मतलब ये है कि जो ए सेट है ना एज इट इज वो बी सेट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है कि ए सेट जो है वो उसके अंदर का एक एलिमेंट है, ठीक है। बिलोंग्स का मतलब होता है एलिमेंट, और सबसेट का मतलब होता है सेट, सबसेट का मतलब होता है सेट। तो सेट कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया कहीं पर 2, 3, तो 2, 3 कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, और 2, 3 को अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो फिर ये बन गया एक सेट। किसी भी दो नंबर को, तीन नंबर को या 100 नंबर को, कितने भी नंबर्स को अगर कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो वो सेट बन जाता है, समझ गए। तो अब इन्होंने बोला ए बिलोंग्स टू बी, तो ए बिलोंग्स टू बी कब बोला जाता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1, 2, 3 मान लीजिए ये हमारे पास एक सेट ए है, कैपिटल ए सेट है, तो इसके अंदर के जो एलिमेंट है ना 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं लिख सकता मैं सबसेट ऑफ ए, नहीं लिख सकता 1 को, क्या लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 इसके अंदर रखा हुआ है एक एलिमेंट है, तो अंदर रखा हुआ एग्जैक्टली अंदर रखा हुआ जो एलिमेंट होता है दैट इज, उसके लिए मुझे क्या लगाना होता है बिलोंग्स टू का साइन, समझ गए। तो ये बिलोंग्स टू का साइन होता है एलिमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है ए इज अस ए बिलोंग्स टू बी, इसलिए मैंने ए को एक सेट लिया है, सेट लेना मेरी मजबूरी थी, उन्होंने बोला ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, नहीं तो मैं ए को सिंपल एलिमेंट ले लेता, मैं ए को बोलता सिर्फ ए, मैं कर्ली ब्रैकेट ना लगाता, और उन्होंने बोला दैट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स, तो सेट्स हैं तो इसका मतलब मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को डालना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया ये। अब आगे देखिएगा क्लियरली A belongs to B, सीधा समझ में आ रहा है कि A belongs to B, A जो है ये पूरा सेट जो है ये exactly B के अंदर रखा हुआ है, इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि capital A belongs to B, समझ गए, ठीक। अच्छा और अब ये बोल रहे हैं कि B is a subset of C and B is a subset of C, सही है, बिल्कुल ट्रू है, कैसे, क्योंकि B के जो दोनों एलिमेंट्स हैं क्या वो ऐसा लग रहा है कि C में से निकले हैं, ये कहेंगे यस,
ए इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट ये भी सी में से निकला है और सिर्फ बी ये भी सी में से निकला है, तो ये बड़ा सेट है इसके अंदर से बी निकला है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। शायद समझ गए होंगे, बताओ भाई क्लियर है आदित्य? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई क्लियर है सभी को? ठीक है चलिए जी, अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। उन्होंने वही बोला था, अब ये बोल रहे इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो क्या ए सी का सबसेट है? नहीं है, नो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। कैसे होता है सबसेट? सबसेट कैसे होता है? सबसेट ऐसे है कि अगर मुझे इस कैपिटल ए का सबसेट बताना है ना, तो मुझे इसके अंदर का कोई एलिमेंट उठाना पड़ेगा, कोई एक कोई दो या कोई तीनों एलिमेंट उठाने पड़ेंगे और उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। अब आप ये देखिएगा, हम ये कहेंगे कि क्या ए इसका सबसेट है? हम ये कहेंगे नहीं, सबसेट के लिए क्या होना पड़ेगा? और ए टू बी अ सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी ए मस्ट बी इक्वल टू, उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट उठाइए, तो जैसे कि ए लिखा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ए भी है, ये ए इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, तो ए मस्ट बी इक्वल टू, ये तो हो गया एलिमेंट, और एलिमेंट को भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करा जाता है, तब वो सबसेट कहलाएगा। समझ गए? समझ गए? हाँ, अगर मान लीजिए ये सिर्फ आप ये कहेंगे कि नहीं ए निकल तो रहा है इसके अंदर से, ए वो सबसेट कैसे बनेगा कि अगर मान लीजिए जैसे ये बी है, अगर बी को सबसेट बनना है तो बी को अगर सबसेट बनना है स्मॉल बी को, तो स्मॉल बी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर आना पड़ेगा, मतलब स्मॉल बी इसके अंदर से एक एलिमेंट निकाला या दो एलिमेंट निकाले और उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये स्मॉल ए इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, इस पूरे को निकालो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करो, तो पूरे को निकाला और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करा, अगर ए इसके इक्वल होता तब मैं कह सकता था कि ए इसका सबसेट है, नहीं तो मैं कहूंगा कि नहीं है। बताइए क्लियर है? तब यह होता, कभी होता भाई स्मॉल ए के, स्मॉल ए एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है जो इसके अंदर था एग्जैक्टली ऐसे ही। अभी क्लियर है ना? तो उसको सबसेट बनाने के लिए उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट और लगाने पड़ता है, एक और। ठीक है, ठीक है, चलो आगे, पक्का? चलिए जी, तो अगला देखते हैं। इसके बाद है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये दे रखा है, ये इसको करने से पहले पहले ये वाली चीज क्लियर होनी जरूरी है। एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और क्यों, ये आपको बताना है। अब स्टेटमेंट को भी क्या क्या देखते हैं, अब बताइए जरा मेरे को कि ये जो ए है, ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? चार। समझ गए? सर फोर। समझ गए ना?
बस यही चीज पूछ रही थी कि इसके अंदर चार एलिमेंट्स है, एक वन हो गया, एक टू हो गया, और ये 3.4 इनसाइड का कर्ली ब्रैकेट पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। अगर सबसेट बनना है तो इस 3.4 इनसाइड का कर्ली ब्रैकेट पूरे को बाहर निकाल कर एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब सबसेट बनेगा। अगर सिर्फ एलिमेंट की बात करनी है तो ये एज इट इज बाहर निकाल कर ये एलिमेंट कहलाएगा उसका, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर है, एक दो ये तीन और ये चार, तो टोटल चार ही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब ध्यान देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है 3.4 इज अ सबसेट ऑफ ए, बता दीजिए ये इसका सबसेट है या नहीं, दोबारा सोचकर बताओ। नहीं है सर। नहीं है ना, सबसेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.4 इनसाइड कर्ली ब्रैकेट एक और कर्ली ब्रैकेट इसमें डालना पड़ेगा, तब ये सबसेट होगा। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ F, F मतलब फॉक्स। सेकंड देखिए, 3.4 बिलोंग्स टू ए, बताओ ट्रू या फॉक्स। फॉक्स। दोबारा सोच कर बताओ, ये वाला ट्रू है, ट्रू है ना, ट्रू, क्योंकि एग्जैक्टली ये बाहर निकल कर आया और ये इसका एलिमेंट है, इससे बिलोंग्स टू का साइन लगाया, ये ट्रू है। थर्ड, थ्री कॉमा फोर, अब बताइए ये इसका सबसेट है या नहीं। यस सर। यस सर, बिल्कुल सही, ट्रू हो गया। ठीक, फोर्थ देखिएगा, वन बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स। ट्रू है, ट्रू है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ट्रू हो गया क्योंकि एग्जैक्टली इसके अंदर का एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का। फिफ्थ, वन इज अ सबसेट ऑफ ए, फॉल्स। सबसेट बनाने के लिए वन को निकालते हैं उसके अंदर से, कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, तब सबसेट बनना चाहिए। वन सेट तो दर्शन तभी वो बिलोंग सबसे टॉप पे हो जाएगा। बिल्कुल। सिक्स पार्ट देखिएगा, वन टू फाइव, वन टू फाइव, ये तीन एलिमेंट्स लिए कर्ली ब्रैकेट में डाला, दिस इज सबसे टॉप पे, और ट्रू या फॉल्स। ट्रू है, ठीक है, वन टू फाइव दिस इज सबसे टॉप ए इज ट्रू। उसके बाद सेवन, सेवंथ देखिए, सेवंथ में है वन टू फाइव, बिलोंग्स टू ए, बताओ वन टू फाइव इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए या नहीं, बताओ। तो सेट है, तो सेट बिलोंग्स टू नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। फिर एट पार्ट देखिए, एट पार्ट है इसका, वन टू थ्री, इसका सबसेट ऑफ ए ट्रू या फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि थ्री कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, 3.4 इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट वो एक सिंगल एलिमेंट है, थ्री को अलग से नहीं निकाल सकते आप, उसके अंदर से तोड़कर नहीं निकाल सकते, ये आपका हो गया फॉल्स। बैठो, दिखाई दे रहा है अंदर, उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है।
good 5 7 1 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
अगला पार्ट ये है इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू एम्प्टी सेट का सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। फिर है फाइव को एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया सर, नाइन स्टेटमेंट ट्रू जब होती जब ऐसी ब्रैकेट खाली थोड़ी होते ना, नहीं नहीं क्योंकि नाइन्थ वाले को कह रहा हूँ ना, नाइन्थ वाला ट्रू होता ही नहीं किसी भी तरीके से, फाइव को ही हम ये बोल देते हैं, या तो हम फाइव लिख सकते हैं या फिर हम ये लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात, ठीक है ना, मतलब वो एग्जैक्टली वो एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए तभी बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब फाइव को इन्होंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, फाइव को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालने के बाद में फिर ये फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, नहीं ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके लिए, तो ये फॉल्स हो गया। फाइव लिखने का मतलब ही ये है कि एम्प्टी कर ली ब्रैकेट, फाइव के ब्रैकेट की जरूरत नहीं रह जाती, ठीक है, बस इतना करिए और होमवर्क मैं आपको भेजता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बस यही कर दें। एक मिनट क्या जी, एक्सरसाइज